काल के गांव कुंजपुरा के लोगों में रोष प्रदर्शन करते पहुंचे लघु सचिवालय और उनकी मांग है कि दो गुटों के हुए झगड़े में पुलिस ने कार्रवाई नहीं की, पुलिस ने कार्रवाई नहीं करने पर रोष है, मामले जो दर्ज किए उनको निरस्त किया जाए। आप देख रहे पुलिस के खिलाफ नारेबाजी, कुंजपुरा थाना SHO के खिलाफ नारेबाजी करते हुए यहाँ पर लोग पहुँचे हैं। उनके गांव में दो गुटों में झगड़ा हुआ था और जिस झगड़े को लेकर के पुलिस द्वारा मामला दर्ज किया गया और मामले को निरस्त करने के लिए उनके खिलाफ क्या मामला पूरा इंसाफ करने के लिए आए हम। अभी गांव के लोग जो यहां पर पहुंचे हैं और मांग करते पहुंचे हैं कि उनकी यहां पर जो कुंजपुरा में झगड़ा हुआ था उसको लेकर के मामला दर्ज किया गया और उनको इसके इंसाफ चाहिए, इंसाफ की मांग को लेकर वो यहां पर पहुंचे हैं। फिलहाल देखना यह है कि उनको इंसाफ मिलता है नहीं। यहां पर सभी मांग को लेकर पहुंचे हैं और मांग कर रहे हैं कि पुलिस प्रशासन उनके खिलाफ जो कार्रवाई कर रहा है उसको लेकर वो यहाँ पर पहुँचे हैं और मुकदमे वापस लें। SHO के खिलाफ नारेबाजी करते हुए यहाँ पर पहुँचे हैं। SHO मनीष के खिलाफ नारेबाजी और जो आरोपी है उनको गिरफ्तार करने की मांग है। फिलहाल देखते हैं कि गांव के लोगों की जो मांग है उस पर क्या कार्रवाई होती है। यहाँ पर DC से ज्ञापन देने पहुँचे हैं और मांग कर रहे हैं कि पुलिस की जो गुंडागर्दी है नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। क्या हुआ गांव में? बच्चे मरे मार के गए रखे। एक औरत है, बहू है एक, उसके ऊपर लड़ाई उसकी गेंद कर फेंका, डंडे सारे बिजाई में पड़ा, पथराव किया। जैसे हम गली में रहते हैं ना, हमारे ऊपर उन्होंने पथराव किया है। अच्छा, हाँ जी, लड़ाई उनके घर में थी और जो गली मोहल्ले पड़ोस के थे उनके ऊपर सबके ऊपर उन्होंने पथराव किया है और पुलिस वालों ने उनका साथ दिया है। फिलहाल पुलिस वालों के खिलाफ नारेबाजी करते हैं, मांग कर रहे हैं कि कार्रवाई होनी चाहिए और इस कार्रवाई की मांग को लेकर यहां पर पहुंचे हैं। उनके मारे बच्चों की ना, मारे बच्चे भी ना उसके कर दिए, 10 आदमी पकड़ रखे ने ना, हर एक पीजा ही पड़ा जी, इन्होंने पैसे खाए पुलिस वालों ने। हाँ जी, 1.5 लाख रुपए का रखे जी, उनकी कार्रवाई करो। बात क्या हुई थी? किस बात क्या हुई थी? लेडीज पुलिया थी जी, एक लेडीज के ऊपर थी, बहू थी जी, गाँव की निकाल दी जी इसके ऊपर। अगर पड़ोसी साथ नहीं देंगे तो कहाँ जाएंगे? दी बेटी मर नहीं जाएगी कैसे? हाँ, इसके बाद झगड़ा हुआ जी और फिर उन्होंने पैसे भर दिया, हम FIR करने गए। हाँ जी, नहीं हुआ, ये गलत है, पुलिस के ऊपर कोई अत्याचार नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ, इन्होंने खुद वो करा वही पे मौके पे थे जी। और जो भी इंसाफ दिलाने के लिए गए, जो मेरी रिपोर्ट दी जी, हमारी रिपोर्ट फाड़ दी पुलिस वालों ने, हमारी ली नहीं जी रिपोर्ट। हम ये उसकी वर्दी उतरवाना चाहवा जी, उस पुलिस वाले के मुकेश की जी। हाँ जी, हाँ जी, उसी ने वर्दी फाड़ी हमारा उसकी कुंजपुरा। हाँ जी, उससे मिलेंगे, DSP से मिलेंगे जी। ये हैं गांव के लोग, जो दो गुटों में झगड़ा हुआ था और उस झगड़े को लेकर के बवाल मचा, पुलिस के ऊपर पत्थरबाजी की है, पुलिस ने उनके खिलाफ मामले दर्ज किए और मामला दर्ज करने के बाद हम कार्रवाई की मांग कर रहे हैं कि एक तरफा कार्रवाई की गई है और जो लोग गिरफ्तार किए गए हैं वो गलत किए गए हैं। इसी को लेकर यहाँ पर सैकड़ों लोग पहुँचे हैं और उनकी मांग है कि इन जो मामले दर्ज किए मामले खारिज हों और जो मामले गिरफ्तार किए गए उनको रिहा किया जाए। इसी को लेकर यहाँ पर पहुँचे हैं। करनाल से KC आर्या, पंजाब KCRI TV।